morning, students. In previous classes, we have studied about the ideal and non-ideal solution, in which we have studied that solution which obeys Raoult's law at entire range of concentration and temperature is known as ideal solution, for which del V mixing is equal to zero, del H mixing is equal to zero. But that solution which does not obey Raoult's law at entire range of concentration and temperature is called non-ideal solution, and it is of two types, that is positive deviation and negative deviation. What are the cause of ideal solution? The force of attraction acting between the solute and solvent molecule is almost similar to that of the solute-solute or solvent-solvent molecules. That is why such type of solutions are said to be ideal solution. While in the case of non-ideal solution, if the electrostatic force of attraction acting between the solute and solvent molecule is greater than that of constituent solute-solute or solvent-solvent, in that very condition, their escaping tendency of solute and solvent decreases, and such type of solutions are said to be non-ideal solutions showing negative deviation, while in the case of the positive deviation, the force of attraction acting between solute and solvent is lower than that of solute-solute and solvent-solvent. In that very condition, the escaping tendency of solute and solvent increases. Thus, they show positive deviation, more and more vapors are produced, while in the case of negative deviation, the electrostatic force of attraction acting between the solute and solvent is stronger. For example, acetone is added to chloroform. In the case of acetone, there is dipole-dipole interaction, while in the case of chloroform, there is also dipole-dipole interaction. But when these are mixed, hydrogen bonding takes place in between oxygen of acetone and that of hydrogen of chloroform. Acetone है. तो एसीटोन में तुम्हारा ये हो गया कौन सा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो गया, माइनस हो गया, कार्बन हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हो गया, ये प्लस पार्ट हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा प्लस पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट. देखो माइनस और प्लस के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, कैसा बॉन्ड बन गया, एच बॉन्ड हो रहा है. तो एच बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है देन दैट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. कंसिक्वेंसली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर हेल्ड टुगेदर विद द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दैट इज व्हाई देयर एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी लेस. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ेगा, जीरो से वन की तरफ आप टेंड कीजिएगा, आपका वेपर प्रेशर भी जो होगा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगा, कम बनेगा वेपर. उसी तरह से जैसे जैसे आपका काई ए बढ़ता चलेगा टुवर्ड्स वन की तरफ एक्सटेंड करेगा, टेंडिंग टुवर्ड्स काई इज इक्वल टू वन, वेपर प्रेशर भी इस मॉलिक्यूल का बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बढ़ने का रेट जो होगा वो कम होगा. टोटल निकालना है तो दोनों को मिला दिए, तो ये जो है आइडियल सोल्यूशन के लिए, और ये ग्राफ जो हो गया आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, मतलब कि निगेटिव डेविएशन शो करेगा. तो एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है, काउज याद रखना जरूरी है कि क्या काउज है, किसके चलते ये निगेटिव डेविएशन शो करता है. अदर एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर. क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन है, डाइथाइल ईथर में ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा एसीटोन एंड एनिलीन. दूसरा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पाइरिडीन. तो ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको हर हाल में याद रखना है. देखो डेल भी का कैरेक्टर, ये डेल कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि उसमें हर कुछ पॉजिटिव होता है. डेल भी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल भी निगेटिव, ये डेल भी आपका मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा, डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन निगेटिव डेविएशन में हर चीज निगेटिव होता है, याद रखना का टेक्निक बहुत अच्छा है. डेल एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, डेल भी मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, हर चीज इसमें आपका निगेटिव होता चला जाएगा. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोगों को. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब मैं बता चुका हूं आप लोगों को,
बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल न पूछे, ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता है। क्वेश्चन आने का 99.9% चांसेस होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। जैसे देखो डेमोक्रेसी है इंडिया में, ठीक है, और मैक्सिमम कंट्रीज में भी अब डेमोक्रेसी हो चुका है, ठीक है, चाहे वो एडवांस हो या पिछड़ा हुआ देश हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेमोक्रेसी है। तो डेवलपिंग, क्या आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी गोरा या काला पर डिपेंड करता हो, या छोटा और लंबा पर डिपेंड करता हो, या अमीर गरीब पर डिपेंड करता हो? एनीवन? एनीवन? सौम्या? अमृता? एनीवन? हाँ जी बोलो कोई। व्हाट इज डेमोक्रेसी? अन्वेषा कुमारी? यस सर। हाँ बोलो, डेमोक्रेसी क्या है? क्या यह गोरे काले पर डिपेंड करता है? नो सर। अमीर गरीब पर डिपेंड करता है? नो सर, नहीं करता है। क्या ये लंबा और नाटा, लंबा आदमी को वोट देने का अधिकार है और नाटा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसा है? नो सर, नहीं है। बिल्कुल सही। सिंस डेमोक्रेसी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ द पीपुल, जितना ज्यादा पीपुल होंगे उतना ज्यादा वोट कास्ट होगा। सिमिलरली सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट, which is independent of the nature of the solute particle, such type of property of the solution is known as colligative property, and hence it is also known as democratic property. Democracy, the in which democracy depends only on the number of the people, similarly colligative property also depends on the number of the particle, which is independent of the nature of the solute particle. Such type of properties are known as colligative property and also known as a democratic property. And there are four types of colligative property, that is relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. ये चार आपका है। अब चारों में से कोई एक पर न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा, रीजन पूछता है कभी कभी, ज्यादातर न्यूमेरिकल आने का चांसेज होता है यहाँ से, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन कंडीशन मेन है। पहला है सॉल्यूट शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट, बल्कि याद रखिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, और कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए सॉल्यूट को। सॉल्यूट शुड नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन, या जिस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डाल रहे हैं उससे इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे तो वह उसका एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए या डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड को पानी में डाल दीजिए, एसोसिएशन हो जाता है, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। NaCl को पानी में डाल दीजिए, इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, देयरफॉर इट विल नॉट शो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन सबसे पहले वंस अगेन रिकॉल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर थ्री मेन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, एंड द सॉल्यूट शुड नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट विद द सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट में डालने के बाद सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन फुलफिल जो करेगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा ना। एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो when non-volatile solid is added to the solvent, ठीक है, some of the solvent molecules will be engaged in holding the solid particle,
दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर एंगेज्ड इन होल्डिंग द सॉलिड पार्टिकल दे लॉस्ट द टेंडेंसी टू एस्केप ना टू इवेपोरेट दैट इज व्हाई देयर इज लेस वेपर कंसिक्वेंटली दे विल प्रोड्यूस लेस वेपर प्रेशर ठीक है एंड व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट देन दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है once again what is the cause of relative lowering in vapor pressure since non volatile solute is added yeah whenever non volatile solute is added to the solvent theek hai the solvent molecules some of the solvent molecules are engaged in holding the solute particle which will not escape which will not evaporate consequently there is lowering in vapor theek hai thus vapor pressure produced by such solution containing non-volatile is lower ठीक है and when it is compared with the pure solvent then it is known as relative lowering of vapor pressure ठीक है चलिए अब देखिए इसका derivation कोई जैसे non-volatile component डाल दिए तो इसमें जो non-volatile component होगा solute it will not contribute towards the vapor pressure only the total vapor pressure will be valid due to the presence of the solvent molecules ठीक है तो देख लो हम लोग का ये डेरिवेशन आया था P इज इक्वल टू पी ए ना जो कि ये सॉल्वेंट हो गया और P भी माने से सॉल्यूट को इज इक्वल टू P नॉट A इनटू काई A और इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन बट दिस सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देयरफॉर टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या कहा जाता है ओनली ड्यू टू solvent molecules thus total pressure is due to solvent only thus P is equal to PA which is equal to P naught into chi A where P naught A is proportionality constant also known as vapor pressure of your solvent since as we know the mole fraction is equal to 1 that is chi A plus chi B will be equal to 1 let us rearrange chi A ठीक है तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस काई बी अब इस काई ए का वैल्यू इस यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस काई बी ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पी नॉट आ गया पी ए नॉट आ गया माइनस पी ए इंटू काई बी ठीक है तो ये हो गया आपका क्या इसको और इसको रीअरेंज कीजिए पी ए नॉट इधर ले आए ठीक है और ये इसको इधर ले आए तो साइन चेंज हो गया आपका इसलिए पी नॉट माइनस पी ए आ गया ठीक है तो आपका हमेशा पी नॉट ए चूंकि ग्रेटर है लार्जर है प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन का हो गया इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो ये कम होगा ये ज्यादा होगा ठीक है अब इसको रियराइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पी नॉट इंटू काई बी आ गया आपका ये रह गया एक तरफ ठीक है ये इसको ला करके इधर हम लोग इंटरचेंज कर दिए साइन चेंज कर दिए ठीक है रीअरेंज करके अब आइए यहाँ पी नॉट ए माइनस पी ए ना इज डिवाइड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपॉन पी आ जाएगा काई बी का वैल्यू निकल जाएगा यानी काई बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए वेयर दिस वैल्यू दैट इज पी नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ठीक है यही तो आ गया आपका ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बोला गया है सॉल्यूट होगा वहां पर ठीक है पेयर पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर लोअरिंग इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यही ना था ए हम लोग मान लिए हैं सॉल्वेंट ए आपका क्या मान लिए हैं हम लोग सॉल्वेंट ए बराबर हो गया सोल भेंट ठीक है और ये बी हो गया आपका सॉल्यूट बी हो गया आपका सॉल्यूट ठीक है तो वहां से हम लोग को देखो यहां से काई ए का वैल्यू काई बी में बदल दिए सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकाल दिए यही आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ठीक है दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया ना, अब इस फॉर्मूला से हम लोग मोलकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है क्या। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी काई बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट लिख दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया, एन ए, एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोल ऑफ, ऊपर हो जाएगा आपका मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज का, मोलकुलर वेट निकाल सकते हैं किसका, सॉल्यूट का। तो मोल का, चूंकि सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन ए प्लस एन बी मे बी रिटन एज क्या, एक के बराबर हम लोग कर सकते हैं, सॉल्यूट बहुत कम है। ठीक है, जब सॉल्यूट कम है तो कितने के बराबर हो जाएगा, आपका एन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो और एन बी हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एन बी का वैल्यू जो हो गया, इसमें मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलकुलर वेट, तो इसका वैल्यू पुट करो, देखो वेट अपॉन मोलकुलर वेट आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब मोलकुलर वेट ये तुम्हारे यहाँ रीअरेंज किया हुआ, तो देखो यहाँ पर लिख सकते थे हम लोग काई बी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट वेट ऑफ सॉल्यूट ना, सॉल्यूट हम लोग का बी है, इंटू मोलकुलर वेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा ये क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट ये है सॉल्वेंट है, तो मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, डब्ल्यू ए हो गया। ठीक है, तो मोलकुलर वेट हम लोग का निकालना है सॉल्यूट का, तो इसी को रीअरेंज कर दिए, एम बी कर दिए, तो देखो एम बी इधर आ गया, वेट अपॉन वेट इंटू मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाई इतना, मैंने रीअरेंज करके आगे हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, दस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सिंस द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन दैट इज नंबर ऑफ मोल दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल, दस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। वन सेकेंड बेटा, व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर एडेड टू, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स आर एडेड टू सॉल्वेंट, सम ऑफ द सॉल्वेंट मोलिकुल्स विल बी एंगेज्ड इन होल्डिंग द सॉल्वेंट सॉल्यूट विच विल नॉट एस्केप, देयरफॉर देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दैट वेरी वेपर प्रेशर विल बी ओनली टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दस अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर विच इज टोटल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ सॉल्वेंट बराबर होता है मोल फ्रैक्शन का सम टोटल वन के बराबर होता है, यानी काई ए प्लस काई बी बराबर वन हो गया, और काई ए का वैल्यू लिख दिए काई बी, और इस तरह से पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट का वैल्यू आ गया कितना, काई बी के, तो द वैल्यू पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सिंस इट इज इक्वल टू सॉल्यूट ये मोल फ्रैक्शन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल, देयरफॉर इट इज क्या आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बता दीजिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमको चाहिए। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एनीवन, नहीं सर, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जैक्टली, वेल डन, तुम एग्जैक्ट डिफिनेशन दी हो, वह टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वन बार के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट भी वही होता है। द टेम्परेचर एट विच दैट वाज ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो
अब जैसे हम लोग कोई सॉल्वेंट ले लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर ही ले लिए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब उसमें हम लोग किए क्या कि ग्लूकोज डाल दिए या यूरिया डाल दिए। सिंस ग्लूकोज और यूरिया आर नॉन वोलेटाइल और शुगर आर नॉन वोलेटाइल, दे विल नॉट एस्केप एंड दीज सॉलिड पार्टिकल विल बी हेल्ड बाई द सॉल्वेंट मोलिकुल्स। ठीक है, कंसिक्वेंटली ठीक है, दे lost the tendency to evaporate, thus there is a lowering in vapor pressure, less vapor pressure बनेगा। तो temperature तक, वो boiling point तक ले जाने के लिए vapor pressure को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या होगा, extra heat देना होगा। ठीक है, तो जो extra heat दिए वही तो है कि temperature आपको boiling point बढ़ा गया। The extra heat is required to increase the vapor pressure of the solution containing non-volatile solid so that its vapor pressure will be equal to atmospheric pressure. That very temperature is known as elevation in boiling point. देखो यही है तुम्हारा solvent, ये तुम्हारा क्या हो गया pure solvent, ये क्या हो गया pure solvent हो गया। ठीक है, अब आ जाओ प्योर सॉल्वेंट हो गया। अब प्योर सॉल्वेंट में तुमको क्या करेंगे देखो, तो प्योर सॉल्वेंट को हीट करते चले जाओ, हीट करते चले जाओ। ठीक है, एक दिन ऐसा हो गया कि इसका वेपर प्रेशर, वेपर बनेगा, हीट करने से वेपर बनेगा या ऐसे भी ऑटोमेटिक वेपर बनता है लेकिन कम बनेगा। एक मरतबा ऐसा आएगा इसका वेपर प्रेशर जो होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, चाहे 1 atm या 1 bar के बराबर हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम लोग कह दिए क्या, बॉइलिंग पॉइंट कह दिया इसका। ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ सम सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यहीं पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको हीट करना होगा ता करके इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए 1 atmospheric प्रेशर। तो इतना हम लोग को एक्स्ट्रा हीट देना पड़ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब जा करके इस टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या होगा, वह बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो होगा 1 atm के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिलाया उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टी बी जो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो होगा डेल ये टी एस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट बी टी बी नॉट के बराबर होगा ना। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेज निकाल सकते हैं, तो यही हो गया डेल टी बी बराबर टी बी नॉट, क्या हो जाएगा ये टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नॉट, ये हो गया। ठीक है, ये जो डिफरेंसेज आ रहा है इसी को हम लोग क्या कह दिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह दिए। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ डेल टी बी ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग को डेल टी बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, डेल टी बी बराबर हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, विच इंप्लाइज डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम। ठीक है, वेयर के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, व्हाट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं। इफ एम बराबर वन, इफ एम बराबर वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल टी बी बराबर के बी, डेल टी बी बराबर क्या आ जाएगा आपको के बी आ जाएगा। ठीक है, डेल टी बी बराबर क्या होगा आपका के बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल टी बी या डेल टी बी बराबर के, तो यहाँ से के बी का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कब, जब मोलालिटी वन हो जाए। मोलालिटी वन कब होगा, जब वेन 1 mole ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, thus del TB is defined as it is elevation in boiling point, ना ebullioscopic constant or molal elevation constant is elevation in boiling point produced by dissolving 1 mole of solute in 1 kg of the solvent. ठीक है, hence elevation in boiling point is a colligative property. Why so? Because it depends on molality and molality depends on number of mole of the solute. ठीक है, इसीलिए यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सर
बेटा बोलो सर, एक और फिर से समझाइए। अच्छा ये वाला समझा दें सर, जो अभी प्रूफ जो उसका डिफिनेशन का किए वो वाला। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले तो हमको बताइए कि मोलालिटी का होता क्या है, व्हाट इज मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट। व्हाट इज मोलालिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg आप सॉल्वेंट ले लीजिए, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दीजिए तो उसको हम लोग मोलालिटी कहते हैं। तो 1 molality कब होगा, जब व्हेन 1 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 mole हम लोग कोई सॉल्यूट का ले लें, ठीक है, और उसमें 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा दें, उसकी मोलालिटी 1 होगा, ठीक है। इफ m बराबर 1, m का वैल्यू अगर 1 आ जाए तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, के बी के बराबर हो जाएगा। डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। यही ना आया तुम्हारा, ठीक है। तो यहीं से डिफिनेशन निकल गया के बी का, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का। व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स उठा हुआ बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ना। इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 mole ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। सिंस इट डिपेंड्स ऑन मोलालिटी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स फाइनली डेल टी बी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और देखो हम लोग एम भी निकाल सकते हैं ना, एम का वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब आइए, फॉर वाटर के बी इज इक्वल टू 0.52 डिग्री सी। के बी जो होता है वाटर के लिए 0.52 डिग्री सी है। टी नॉट जहां आपका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ एक चीज और, फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक्स के बी इज मैथमेटिकली रिटेन आए 0.02 इंटू टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल वी, फेयर एल वी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, कौन टी नॉट, ठीक है। तो के बी का फॉर्मूला शॉर्टकट में आप एक याद रखिएगा ना, के बी किसके लिए, थर्मोडाइनमिक्स वाला फार्मूला। बुक में बहुत लेंदी फार्मूला दे दिया है, ठीक है, इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई करके डाले हुए हैं। फार्मूला जरूर नोट कीजिएगा, 0.02 इंटू टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल नॉट, ठीक है। तो डेल टी बी बराबर के बी इंटू एन, इफ एम बराबर 1 mole देन के बी बराबर डेल टी बी। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑन डिजॉल्विंग 1 mole ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट फॉर इवेपोर कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। आज इतना ही टाइम देखो तो हाँ, तो चलो टाइम भी हो गया, 2 पढ़ा दिए काफी है, एक दिन में ज्यादा होना ठीक नहीं है। फिर कौन अभी ज्वाइन करने आया था भाई,